आज हम सनी देओल बन के घूम रहे हैं हिंदुस्तान से चोरी चोरी। स्क्रिप्ट बदल लेंगे पूरी पिक्चर की। हेलो नोमैड्स एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 3 ऑफ टर्की ओवरलैंडिंग ट्रिप। लग रहा हूँ दूल्हे जैसा कि नहीं, तो अभी टैक्टिकल शिमोंग निकल चुका है, ग्लेयर्स निकल चुके हैं, मतलब नोमैड सैम मोड एक्टिव हो चुका है। तो इसके बाद अब हम लोग एक्सप्लोरेटरी मिशन पे हैं। सो हम लोग आज इजमिर से निकल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स पामुकुले, और बीच में हम लोग एक बड़ी मस्त जगह पे हॉल्ट मारने वाले हैं जिसका नाम है एफेसस, और जिसके बारे में मैं गाड़ी के अंदर से बात करूंगा। तो फिलहाल सी यू इन द कार, टेक केयर। तो भाई लोग निकली अपनी पलटन। पहले तो सबसे पहले हम लोगों को यार फ्यूल भरवाना, हमारी गाड़ी में ज़्यादा तेल नहीं बचा है, हम लोगों ने लास्ट टाइम ही पूरा खपा लिया था। तो पहले फ्यूल भराते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो गाइस फ्यूल स्टॉप हो गया है, अब कोई तेल का टेंशन नहीं, अब नोमैड सैम अभी पूरा यूरोप क्रॉस करके कहीं पे भी पहुंच सकता है। वैसे गाइस यहां से 1 घंटे का ही रास्ता है टू एफेसस, ज्यादा दूर नहीं है एक्चुअली, अज्यूमिंग मेरे को लगता है 100 किलोमीटर के आसपास होगा, काफी कन्वीनियंट है दैट वे। बट सिटी से निकलना थोड़ा ऐसा है कि बिकॉज यहाँ का थोड़ा हमें लोकल साइनेजेस वगैरह का इतना आइडिया नहीं और थोड़ा लोकल डायनेमिक इतना नहीं पता है, तो सिटी छोड़ने में थोड़ी तकलीफ होती है। पहाड़ों के बीच में आ गए हैं दोस्त, अभी कहानी पलटने वाली है दोस्त, स्क्रिप्ट बदल लेंगे पूरी पिक्चर की। बट एक बात है, आज जब से हम आए हैं, टुडे इज द सनिएस्ट डे एक्चुअली। यस यस, यस्टरडे वाज आल्सो ब्यूटीफुल डे बट इट वाज लाइक क्लाउडी बट नाइस, बट आज काफी ब्राइट सन है। तो आज हम सनी देओल बन के घूम रहे हैं हिंदुस्तान से, नोमैड सैम पे इधर टोरी हो रहा है, एक खड्डा नहीं है साला, मैं तो चमचे से पैर नहीं हटा रहा हूँ, मिनिमम 150 पे चलाता हूँ इधर, अब बाद में पता चलेगा चलान कितने कटे। मिडल ऑफ द हाईवे और पीछे देखो नजारे, इतना खूबसूरत हाईवे और गाड़ी चलाने का इतना मन कर रहा है, इतना मजा आ रहा है, और गाड़ी तो इधर 150 से नीचे मैं चलाता ही नहीं हूँ, बहुत मजा आ रहा है। और अपनी गाड़ी ब्लिट्ज़क्रीग भी बस परफॉर्म कर रही है। हम लोग आ गए भैया लेह लद्दाख, अगर सामने के पहाड़ देखोगे तो थोड़ा दिखना स्टार्ट हो गया, वो अभी लाहौल स्पीति वाला स्टाइल के पहाड़ आ गए हैं। Guys, we've reached some sort of a checkpoint. English. English. Okay. Can I take your passport? Yeah. Please? Yes. Okay. Thank you. Thank you. Priya ki checking kar li, wo jersey jaisi dikh rahi thi. Finally, हम लोग FSS के lower entry पे आ गए हैं और गाड़ी park कर दी है, जो आप पीछे देख रहे हो दैट्स द एंट्रेंस टू एफेसस, और ये पूरा एरिया है जहाँ पे पूरे कैफेज वगैरह हैं, मेरे मतलब का एरिया है, प्रिया के मतलब का वहाँ है। पीछे देख रहे हो ये मस्त फ्लैग लटकाया हुआ है इन लोगों ने, और हम लोग एक जंगल के थ्रू वॉक कर रहे हैं विच इज़ द अप्रोच टू एफेसस। देखो प्रिया मस्त है ना एंट्रेंस, ब्यूटीफुल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सोक इट ऑल इन। जब तक वो सोक कर रही है तब तक मैं एंजॉय कर लूं, यहां तक ठंड से फट रही है। आई एम लविंग इट बिकॉज आई हैव अ थिंग फॉर हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, एंड स्पेशली एज फार एज दिस एफेसस इज कंसर्न, इट वॉज वन ऑफ द 7 wonders ऑफ द वर्ल्ड इन द एंशियंट टाइम्स, एंड दिस वॉट यू आर सींग नेक्स्ट टू मी, ये उस जमाने के माइल स्टोन होते थे। एफेसस एक्चुअली एक आर्कियोलॉजिकल साइट ही सिर्फ नहीं, एक्चुअली एक सिटी थी ऑफ 3 lakh पॉपुलेशन, तो आपको बहुत बड़े शहर में से गुजरना है। वैसे तो आप इस जगह पे आकर के टूरिस्ट गाइड भी ले सकते हो, लेकिन अगर अपने साथ आप एक पिट्ठू और राजू गाइड कैरी कर रहे हो तो आपको सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल चर्च ऑफ वर्जिन मैरी पे। Ew, I got into a nice place. Most of the Roman sites across the world, when we had even gone to Rome, and even this, because this is also has a lot of Roman influence. Problem is like ki mostly aapko sab imagine karna padta hai. To Priya apne 3 bedroom hall kitchen ka tour kara rahi hai aap logon ko.
इसी आर्कियोलॉजिकल साइट पे जा रहे हैं जिसको देखने के लिए सब लोग तरसते हैं, एंड दैट्स द एम्फी थिएटर. काफ़ी अच्छा है और मैसिव है. सो गाइज, व्हाट यू सी ऑन माय बैकग्राउंड इज द थिएटर. और मैं आपको दिखाता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स इतना मैसिव है, स्पैन देखो यार, इट्स मैसिव. और वो जो पीछे क्रेन दिख रही है वो भी रोमन्स ने इधर छोड़ी थी दिखाने के लिए कि हमने कैसे बनाया है. मजाक कर रहा हूँ, बेवकूफ मत बनाना. एफिसस वाज आल्सो वेरी फेमस पोर्ट सिटी. सो ये जो रास्ता है ये पूरा हार्बर से थिएटर का सबसे इम्पोर्टेंट पाथवे होता था. सो दिस पाथ दैट वी आर वॉकिंग ऑन इज कॉल्ड द आर्केडियन. वाओ, ये एम्फी थिएटर बना था हेलेनिस्टिक एज में. द एंटायर सीटिंग एरिया इज सेग्रीगेटेड इनटू थ्री पोर्शंस आई वुड से, एंड मोस्टली ये जो नीचे वाला एरिया होता था इट वाज मेंट फॉर वीआईपीस, पार्लियामेंटेरियंस ऑफ दैट टाइम. टिल अबाउट समवेयर अर्ली 2000 वाज यूज्ड फॉर कॉन्सर्ट्स ऑल्सो. सो एल्टन जॉन, मारिया केरी, दे हैव परफॉर्म्ड ओवर हियर. बट अभी काफ़ी देर से यहाँ पे रेस्टोरेशन चल रही है, सो द कॉन्सर्ट्स हैव स्टॉप. ये इतना एकूस्टिकली वेल डिजाइंड है कि यहाँ से टॉप रो तक आवाज बहुत क्लियरली जाती है. देखो प्रिया ने पूरी बराबर से आती है, एंड इट मस्ट बी सो मच फन टू परफॉर्म इन दी स्टेजेस, हूएवर लव्स परफॉर्मेंसेस. अब हमारे साथ चलिए चोर एंट्रेंस में. सो दिस इज द सो कॉल्ड एंट्री टू द बैक स्टेज, एंड ग्लैडिएटर्स का एंट्री एग्जिट भी यहीं से होती थी. तुम्हारा भाई भी कोई ग्लैडिएटर से कम थोड़ना है. सो गाइस, थिएटर तो देख लिया, पिक्चर अच्छी थी. और अभी से यहाँ से हम लोग जा रहे हैं फिलहाल लाइब्रेरी देखने के लिए. यहाँ की बहुत फेमस, इट वाज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी. सो हम खड़े हैं अभी कुट्टू फिनेसी, एंड मोर पॉपुलरली नोन इन इंग्लिश एज द लाइब्रेरी ऑफ सेल्सिस. एंड मेरे हिसाब से अभी तक की मोस्टली हमने काफ़ी हद तक ये साइट देख ली है, दिस लुक्स लाइक द मोस्ट इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर. एंड आई थिंक नोमैड सैम विल अग्री विद मी लेटर ऑन व्हेन ही कम्स अप इन द वीडियो. सो वी विल जस्ट गो क्लोजर एंड शो यू द ग्रैंडियर ऑफ द प्लेस. टेरेस हाउसेस की तरफ, और जो यहाँ का मेन फीचर है, और मस्त दिखाता हूँ रास्ता, क्या मस्त है उधर जाने का. और ये जो लाइब्रेरी है ये थर्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी थी जो आपने अभी देखा इन द रोमन एम्पायर. सो ये जो मेरे पीछे है ये टेंपल ऑफ एड्रियन है, ही वाज वन ऑफ द किंग्स, एंड उसके ऑनर में बनाया गया. प्रिया फटूचंद, so nicely done Sam, look at this. This one behind me is the marble hall, so it was only earmarked for some important and big functions. Check out the mosaic on the floor. Oh, क्या है भाई, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब तुम समझ नहीं पाओगे, भावना ही नहीं तुम समझ पाओगे. दिस वॉज यूज बाई द ओनर, whosoever was owner of this dwelling, to receive guests and clients. क्या मस्त घर है यार किसी का. Must be somebody very important. Multiple rooms हैं to entertain different kind of guests. ये सब देख के आपको एक चीज़ आर्क्योलॉजिस्ट नहीं बता सकते जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ. ये आदमी बहुत पतला था, क्योंकि इतने टेरेस पे चढ़ने के बाद आदमी का वजन नहीं बढ़ सकता. तो बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर इस घर का ये है कि इसके अंदर ना WC सबसे टॉप फ्लोर पे है, मतलब आदमी ऊपर पहुंचते ही निकल जाएगी आदमी की. पूरा ओवरव्यू है इस पूरी प्रॉपर्टी का. प्रिया कुछ खा सकते हैं हम लोग प्लीज, मैं बहुत देर से भूखा बैठा हूं. प्लीज यार, म्यूजियम जाना है यार. वो तू कितना म्यूजियम देखेगी, सेंट जॉन्स बेसिलिका भी है. अब ये कहां से आ गया? वहीं से आ गया, आया कहां है, पहले से है भाई. ये दर्द ना खत्म होगा. फॉलो मी, वी आर एग्जिटिंग थ्रू द हेड्रियन गेट. आई थिंक सो, प्रिया का हो गया अभी हिस्ट्री का पूरा कीड़ा खत्म, और इसके बाद अब उसको म्यूजियम शॉप जाना है. फाइनली हम लोग म्यूजियम शॉप पे आ गए हैं. आई लाइक दैट पेगासस, आई लाइक दिस हेलमेट. ओके, 5 crore की शॉपिंग कर ली है. कुछ भी कर लो जो फिनिश और क्वालिटी म्यूजियम शॉप्स में होती है, दैट यू विल नॉट फाइंड इन एनी ऑफ द स्ट्रीट साइड शॉप. तो बॉस ये बंदी तो मुझे पागल कर देगी, चला चला के कब से पैदल चला रहा हूँ और गाड़ी चला रहा हूँ, बस चला ही रहा हूँ कुछ ना कुछ. टैम वहाँ पे हॉट चॉकलेट पी रहा है और चिप्स खा रहा है, और देयर हैज बीन एन अटैक ऑफ कैट्स. हम लोगों ने तरस खा के अभी इन बिल्लियों को कुछ खिला ही दिया. देखो अपर गेट पे आ गए हैं,
ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ से दो जरिए हैं ट्रैवल करने के, एक है टैक्सी जो आप ले सकते हो, अदरवाइज एक हॉर्स कैरेज है विच वी आर होपिंग फॉर कि हमें मिल जाएगी। आपको सरप्राइज देना चाहते थे और हमें सरप्राइज लग गया है, ना घोड़ा है ना गाड़ी है। तो भाई लोगों ने हम लोगों की हेल्प कर ली है और उन लोगों ने टैक्सी बुलाई है, तो थैंक यू। चोरी चोरी। योर नेम? जेब्राइल। मैडम जी की अभी तक भूख खत्म नहीं हुई है, इन्होंने हमारा मांस नोच लिया है, अब हड्डियां खाने पे आ गई हैं, अब इनको कहीं और जाना है। मुझे ये गाड़ी देख के कभी इतनी खुशी नहीं हुई। सो गाइस, हमारा एफएसएस का ट्रिप तो बहुत ही मस्त रहा। अभी मैडम को मैंने आपको बताया था ना, थोड़ी खुजली बाकी है, तो अभी इनको सेंट जॉन्स बेसिलिका देखना है, तो जो कि अभी थोड़ा एक ड्राइव है छोटी सी आगे, जाके देखते हैं कैसा है। और उधर से अगर बचा कुछ, मेरे में जान बची और ताकत बची, तो हम लोग म्यूजियम भी देख लेंगे, क्योंकि खाना तो खाने को मिलेगा नहीं बॉस। आ गए हम लोग सेंट जॉन्स बेसिलिका पे। और यार इतना जल्दी आना जरूरी क्या था, तू मेरे को बता। बिकॉज ये 5 बजे बंद हो जाती है और 4:30 बज गए। आई थिंक सो प्रिया को मुझ पर दया आ गई और उसको रियलाइज हुआ कि देर आर जस्ट मोर ऑफ दीज रूइंस, कुछ खास दिख नहीं रहा है यहाँ पे चर्च वगैरह। अभी हम लोग आगे निकलते हैं। वैसे तो लोगों को लगता होगा मैं हमेशा प्रिया का मजाक उड़ाता हूँ, बट मैं एक्चुअली एक बात बताऊँ, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। उस बेचारी का थोड़ा दिल टूट गया अभी वाला, मतलब वैसे लिखा में कुछ था नहीं, लेकिन व्हाट आई अप्रिशिएट अबाउट हर इज कि उसके अंदर बहुत जील है कि वो नई नई जगह एक्सप्लोर करे, नई चीज़ें देखे, तो वो हमेशा मुझे भी ना एज पे रखती है। तो फाइनली गाइस, अब हमारा सारा हो चुका है, अब हम लोग सीधे जा रहे हैं पामकुले की तरफ। और मैडम आप पूरे सेट हो? यस टोटली। सो खुश है, उसने जितना जूस निकालना था निकाल लिया इस टाइम का। तो इसके बाद अब हम लोग कुछ खाने की जगह ढूंढते हैं। एक्चुअली 5 बज चुके हैं, हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया सिवाय ब्रेकफास्ट के, सो वील प्रॉबली एक्सप्लोर सम नाइस लोकल क्विजीन। सो गाइज, अब हम लोग रुक गए हैं यहाँ पर एक रोड साइड ढाबे पे जिसका नाम है ओमर गोरमे। बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट, एकदम छोटू सा है। This is tavuk, which is chicken roti that they serve it with. Meatballs हैं। प्रिया, now you have permission to eat. अब थोड़ी जान में जान आई है, कुछ खाना है पेट में गया है, अब सीधे मेरे को लगता है पामकुले ही रुकते हैं यार। यहाँ से आई थिंक सो 2-2.5 घंटे का रास्ता होगा। आज का दिन बड़ा अच्छा रहा है, बिकॉज आज हम लोगों ने मतलब ना बहुत ज़्यादा ठंडी थी ना ज़्यादा गर्मी थी, कपड़े भी हमारे एकदम परफेक्ट थे, हम लोग पूरे प्रिपेयर्ड थे, तो बहुत मज़ा आया और जगह भी अच्छी थी, तो सोने पे सुहागा। सो गाइज, ये फाइनली रीच्ड पामकुले। ऐसे ऐसे गांव की सड़कों में ऐसे निकले थे कि आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट लास्ट का 50-60 किलोमीटर हम लोगों ने बिल्कुल कोई आबादी नहीं देखी। और पीछे आप जो देख रहे हो वो मेरा होटल है, होटल हलतूर। हम लोगों की गाड़ी की पार्किंग बाहर है, और अगर आप पीछे देखेंगे तो वो ट्रैवर्टीन्स दिखाई दे रहे हैं जो कि एक्चुअली पामकुले का मेन फीचर है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को अभी अंदर ले जाता हूँ। गाइज, हम लोग अपने रूम में आ गए, हम सब सेटल डाउन हो गए हैं। रूम एकदम छोटू सा है, होटल भी एकदम छोटू सा है, लेकिन प्रिया मुझे बहुत पसंद आया। एक्चुअली इट्स गॉट लॉट ऑफ कैरेक्टर एंड आई रियली लव इट, एंड द पीपल हियर सीम टू बी वेरी हॉस्पिटेबल एंड वेरी नाइस। तो मज़ा तो बहुत आ रहा है, और इधर बैल्कनी भी, और बैल्कनी का व्यू है ट्रैवर्टीन्स की तरफ। आजा दिखा, व्यूज तो सुबह ही दिखेंगे भाई साहब। हाँ हाँ, दिखाइए बहन जी। आई डोंट नो दिखाई कितना दे रहा है, पर वो ट्रैवर्टीन्स हैं पामकुले के। अभी थोड़ा चिल करते हैं, सुबह से भाग ही रहे हैं, थोड़ा बैठते हैं, खाना खाने जाते हैं, फिर बात करते हैं। सो गाइज, पीछे देखो, प्रिया टोटल ढेर हो चुकी है, कम्प्लीटली थक चुकी है। दिन भर में बहुत पैदल चली थी, तो बेचारी के अभी जान निकल गई है, तो शी स्लेप्ट।
और आई हैव जस्ट गॉन अहेड एंड शॉट माई सेल्फ इन द फूड और मैंने एक प्रोग्राम डिसाइड करा है विच इज़ कम्प्लीटली अवे फ्रॉम आर जनरल आइटनरी और वो लोग जनरली लोग पामुकले ऐसे नहीं करते हैं। तो सुबह सुबह मुझे 6:30 बजे निकलना पड़ेगा, इस समय बज रहे हैं रात के 1:30 और मेरी हो गई है हालत ख़राब गाड़ी वाड़ी वगैरह चला के। सो विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज द एपिसोड नंबर 3 ऑफ टर्की ओवरलैंडिंग ट्रिप एंड आई सी यू गाइज ऑन एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लोरिंग पामुकले इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे पॉसिबल फॉर मी एट लीस्ट। तो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, इफ यू हैव लव द वीडियो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। इनफैक्ट टर्की वालों के लिए प्लीज़ स्मैश इट।